विशाखा की वजह से देव पे कौन सी बड़ी मुसीबत आएगी, और सबसे बड़ा राज यानी देव को कैसे पता चलेगा कि वृंदा और कोई नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, और वृंदा की माँ मान्यता की कौन सी बुरी हालत होगी, और वृंदा को कौन सा बड़ा झटका लगेगा, और वृंदा पे कौन सा बड़ा खतरा आएगा, और किसकी खतरनाक वापसी देखने को मिलेगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दे। पारेख परिवार में वृंदा को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब माधव फिर से जिंदा वापस लौटेगा। और जैसे कि आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि वृंदा ने माधव को पहाड़ी से फेंक के जान से मार दिया था। और लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि माधव के मर जाने के बाद यह दूसरा वापसी करने वाला माधव कौन है, यह इस हफ्ते का बड़ा राज है। और लेकिन हिला देने वाली बात तो ये होगी कि देव को बड़ा झटका तब लगेगा जब बेचारा देव वृंदा के लिए नेकलेस यानी गले का हार लाएगा। और लेकिन विशाखा वृंदा का पूरा खेल बिगाड़ने के लिए विशाखा वृंदा का रूप ले लेगी और देव के सामने और कोई नहीं बल्कि वृंदा के रूप में विशाखा होगी। और जो देव बड़े प्यार से वृंदा के लिए नेकलेस लाया है वो नेकलेस को वृंदा के रूप में विशाखा ना पसंद कर देगी, और इसी वजह से देव अपनी वृंदा को समझाने के लिए कहेगा कि तुम्हें याद है ये नेकलेस तुम्हें बचपन में बहुत पसंद हुआ करता था और यह नेकलेस को खरीदने की तुम्हारी काफी इच्छा भी थी। और लेकिन वृंदा के रूप में विशाखा देव को घमंड दिखाते हुए कहेगी कि वो तो बचपन था और ये नेकलेस तो काफी चीप है और सस्ता है और मुझे ना हैवी वाला और महंगा वाला पसंद है, सो तुम वो लाते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। और ये वृंदा के मुंह से सुन के बेचारे देव को काफी बड़ा झटका लगेगा और वृंदा का पूरा स्वभाव बदलता हुआ देख देव को एक पल के लिए विश्वास नहीं होगा कि ये वृंदा ही है। और लेकिन उसी वक्त झटका तो तब लगेगा जब असली वृंदा महादेव के लाल टेकरी मंदिर में होगी और महादेव के चमत्कारी ओम वाले लॉकेट की वजह से वृंदा को उसकी माँ मान्यता की रोने की और काफी चिल्लाने की और बचाव बचाव करने की आवाजें सुनाई देगी। और इसी वजह से वृंदा को एहसास होगा कि उसकी माँ यही लाल टेकरी मंदिर में कैद है। और लेकिन बहुत अफसोस होगा जब वृंदा अपनी माँ मान्यता को ढूंढ नहीं पाएगी और इसी वजह से वृंदा के आंखों में आंसू आ जाएंगे। और दूसरी ओर देव को एहसास हो जाएगा कि वृंदा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। और आप विशाखा को विलन के रूप में देखना चाहते हो या नहीं यह हमें जरूर बताएं, और आप यहाँ आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।